अमित सर के बारे में बोलना होगा तो सबसे पहली चीज तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अमित सर कंसेप्ट में जिस लेवल तक लेके जाते हैं आपको ऊपर, वो आपको कोई नहीं लेके जाएगा। दूसरी चीज मतलब इंटरेक्टिव सेशन, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट इज इक्वल टू बोरिंग जो डेफिनेशन हो गया वो अमित सर ने पूरा की पूरा चेंज कर दिया। अमित सर पूरा की पूरा इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं जहाँ पे सेशन में आपको पूरा की पूरा मजा आएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर डिफिकल्टी आएगी भी तो अमित सर है ही। और तीसरी चीज़ मतलब अमित सर इतना एनर्जेटिक पर्सन है, इतना एनर्जेटिक आदमी मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। वो हमेशा पॉजिटिव रहते, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बोलते रहते, आगे वाले को भी पॉजिटिव चीज़ें ही देते रहते। और वो सिर्फ आपको ऑडिट एज अ सब्जेक्ट को सिखाएंगे ही सिखाएंगे, ऑडिट में आपको एक्सपर्ट बनाएंगे, लेकिन एज अ लाइफ आपने कैसा रहना चाहिए, एज अ ह्यूमन बींग आपने कैसा रहना चाहिए वो सिखाते। एंड दैट्स वॉट आई लाइक मोस्ट अबाउट अमित सर। एंड सबसे आखिर में सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सर। आपके साथ ऑडिट पढ़ने में बहुत मजा आया, आपने सिर्फ ऑडिट के ही लेसन्स नहीं दिए हमें, लाइफ के लेसन्स भी दिए विच आर वेरी वैल्यूएबल। वी एंजॉयड अ लॉट विथ यू। कंसेप्चुअल क्लैरिटी मतलब अमित सर, सर इतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं, सर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते हैं, प्रैक्टिकल अपना जैसे सर इंडस्ट्री में रह चुके हैं तो सर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, सर ओफूज देते हैं, उससे ना कंसेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। और सर सर एलडीआर मार्क करवाते हैं, उससे क्या होता है कि जब हम रिविज़न करो ना तो हमको समझ में आ जाता है कि मतलब किस चीज़ पे एम्फेसाइज करना है और किस चीज़ पे नहीं। रिवीजन में बिल्कुल कम समय लगता है इससे। और सर ने इतनी जल्दी टाइम पे इतना जल्दी कोर्स करवाया, मतलब इतने कम दिनों में ऑडिट को पढ़ना इस वेरी बिग टास्क, पर सर ने इतना अच्छे से कंसेप्ट पूरे कंसेप्ट के साथ कोर्स करवाया। और अब ऑडिट के लिए सर बेस्ट है, बेस्ट। I'm preparing for my CAT exams and I have taken my audit classes from Amit sir. काफ़ी कॉन्सेप्चुअली आपको ऑडिट पढ़ाते हैं हमेशा, और किस तरह ऑडिट की जाती है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको देंगे क्लासेस में कि क्या होते हैं, किस तरह ऑडिट की जाती हैं, किस तरह आपको ऑडिट के एविडेंसेस और सारी चीज़ें रियल लाइफ में कैसे अप्लाई की जाती हैं वो बताई जाती हैं क्लासेस में। और नॉट ओनली सब्जेक्ट्स रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें सर से सीखने को मिल सकता है कि किस तरह लाइफ को अच्छे तरीके से जीना चाहिए, हमेशा कैसे मोटिवेटेड रहना है और कैसे डिसीजन मेकिंग आप अपनी अच्छी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रादर देन क्लासेस आप बहुत सारी चीज़ें हमें सर से सीख सकते हैं, नॉट ओनली सब्जेक्ट्स। सर ऑडिट अमित तातेड़, मतलब बस ऑडिट चाहिए और अब दिमाग में अमित तातेड़ ही नाम आता है। आपसे पढ़ा हुआ हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ओफू, जितने भी आपने रेफरेंसेस दिए, आपके एग्जांपल्स सारे इतने हेल्पफुल हैं। जब हम लोग दोबारा से रीडिंग करने बैठते हैं, आपके रिवीजन वीडियोस देखते हैं, तो हमें इतना हेल्पफुल रहता है वो आपके पढ़ाए हुए जिस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपने वो टॉपिक पढ़ाया हुआ था, कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ होता है, वो दोबारा से हमको याद आ जाते हैं। और अंडरलाइंस मतलब आपका एलडीआर्स, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सारे हमको इतने अच्छे से मेमोराइज हो जाते हैं। और हर किसी ने कहा था कि ऑडिट इज़ लाइक अ वेरी थ्योरी सब्जेक्ट, बहुत प्रॉब्लम होती है उसको पढ़ने में, लेकिन 80 से पढ़ने के बाद ये प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं, आई गेस बहुत ईजी पढ़ता है हमको। एंड थैंक यू सो मच सर, एंड दिस इज़ माई फीडबैक। से इंटर में आने के बाद थोड़े शब्द हर एक दोस्त से सुना था, यह SSM सर आपके साथ होगा ये तो फिक्स था, लेकिन आपने ऑडिट के लिए हमें मौका दिया यहाँ पुणे में फेस टू फेस करने का। कंसेप्ट तो क्लियर होते ही है, लेकिन आपने आपके लाइफ के फंडों के साथ हमारे लाइफ के कंसेप्ट भी डिटर्मिनेशन, लाइफ के कंसेप्ट में भी डिटर्मिनेशन भर दिया। थैंक यू सर, तोड़ मालिक। अमित सर से ऑडिट पढ़ना मतलब सबसे पहले मेरा मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया कि ऑडिट इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, सेकंड वन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एंड थर्ड वन जब ग्रुप टू चालू किया था तब ऐसा लग रहा था कि ऑडिट में सिर्फ 40 भी आ गए, पास भी हो गए तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अब जब सिलेबस कंप्लीट हो गया है तब ये श्योरिटी मिल गई कि ऑडिट में एटलीस्ट 60 तो आ जाएंगे, एग्जम्पशन तो आ जाएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि है, ऑडिट मेरा दिन का सबसे इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग क्लास, सो थैंक यू अमित सर फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो मैंने मेरे ऑडिट के लेक्चर्स अमित सर से लिए थे। मैं फर्स्टली कहना चाहूँगा कि ऑडिट बीइंग अ वास्ट सब्जेक्ट इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अमित सर ने सारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझाए थ्रू वेरियस एग्जांपल्स, सो ऑडिट रिकॉल करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आया है।
सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि अमित सर ने सेशन सब इंटरैक्टिव लिए है, इससे काफ़ी इंटरेस्ट आया है ऑडिट एज अ सब्जेक्ट पढ़ने में। सो थैंक यू सो मच अमित सर फॉर सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एज अ सब्जेक्ट बहुत फियर करा जाता है, हमें भी डर लगता था एंड बट जो अमित सर से हमें सीखने मिला है, पहला कंसेप्चुअल क्लैरिटी, चीज़ों को समझते कैसे हैं, सेकेंड फिर चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करा जाता है। समझना इज इम्पॉर्टेंट पर अगर आपको पता ही नहीं लिखते कैसे हैं तो वो फिर आपका काम नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट को चाहिए कीवर्ड एंड उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कन्फ्यूजिंग, तो उसको कैसे टैकल करें उसके लिए उन्होंने दिया है ऑथर्स नोट एंड कौन सी चीज़ों पर आपको एम्फोसिस करना है उसके लिए पिक्चर में आता है LDR एंड LDR। तो इससे आपको ओवरऑल सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू पता चल जाता है कि आपको कहाँ पर कहाँ ध्यान देना है। और जब हम पेपर में जाएंगे तो पेपर में मेन रहेगा, हमको पता रहेगा हमको डेढ़ दिन में क्या पढ़ना है। इन सब चीज़ों से जो हमारा एक्सपीरियंस मिला है एंड जैसे वो एज अ ह्यूमन बीइंग है हमें सिर्फ सीखने मिला है एंड जो वो बोलते हैं वो फॉलो करते हैं एंड ये हमने कहीं नहीं देखा है एंड सो हम सिर्फ उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू सर। आई परचेज माई ऑडिट क्लासेस फ्रॉम AT अकेडमी एंड मेरी हमेशा से ये अप्रोच रहती थी कि ऑडिट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कैसे होगा क्या होगा, बोरिंग सब्जेक्ट है। बट थैंक्स टू अमित सर, क्योंकि उन्होंने मेरी इस अप्रोच को टोटली चेंज कर दिया। उन्होंने ऑडिट इतना बेस्ट वे में पढ़ाया कि एक मिनट के लिए भी कभी नहीं लगा उनको कि इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड हर चीज़ को प्रैक्टिकल अप्रोच। हमको ऐसा फील होता था कि हम खुद ऑडिटर हैं, हम ऑडिट करने एक फॉर्म में गए हैं, हमारे साथ ये कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं या ये सब हो सकता है। एंड थैंक यू अमित सर फॉर टीचिंग अस सो नाइसली व्हाई टू फियर व्हेन AT अमित सर इज हियर। थैंक यू तोड़ मालिक। हाय, माय नेम इज नरसिंह हुली एंड माय एक्सपीरियंस विद अमित सर इज तोड़। अगर उनके टीचिंग मेथड के बारे में बात करो तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल की कंसेप्ट जो है थरली क्लियर करवा देते हैं और उसके बाद रीडिंग का जो पार्ट रहता है वो करवा देते हैं। सर बीच बीच में बहुत सारे ओफो बताते हैं, ओफो मतलब कि ओनली फॉर अंडरस्टैंड। बहुत सारे बीच बीच में भी ऑथर्स नोट बताते हैं, ऑथर्स नोट मतलब कि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। मेनली अगर आप ऑडिट में देखो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि जो कन्फ्यूज करवा देते हैं और सर वो भी बता देते हैं। और हमारे सर बोलते हैं कि व्हेन कंसेप्ट आर क्लियर CA prefix is near। थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस द बेस्ट क्वालिटी। आपकी क्लासेस में सारे टाइम इतना एंजॉयमेंट तो रहता ही था, बट उसके साथ जो कंसेप्ट क्लैरिटी और सारी चीज़ें, मतलब ऐसे कुछ भी मोनोटोनस नहीं होता था, एवरीथिंग गोज विद द फ्लो एंड एवरीथिंग इज लाइक अ केक वॉक टू अस। बाद में ऑडिट में इनिशियली थोड़ा सा ऑडिट थोड़ा टफ सब्जेक्ट पड़ जाता है, बट फिर आखिरी में वो केक वॉक होने लग गया। अब बस एग्जाम्स में जब प्रिपरेशन करने का टाइम आएगा तो हमारे जो LDRs और आपने इम्पोर्टेंट मार्किंग्स कराए हैं वो सब इम्पोर्टेंट मार्किंग्स अब एग्जाम टाइम में जब प्रिपरेशन करेंगे वो बहुत इजी हो जाता है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टीचर्स में थोड़ा मैंने वो कम देखा है, बट आपके इसमें आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं वो सबसे बेस्ट है। कम टाइम पे एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वो बहुत रेयर टू फाइंड है एंड सो थैंक्स फॉर द रेयरेस्ट। अगर अमित सर के ऑडिट सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए तो सर की टीचिंग भी सर के जैसे ही तोड़ है। सर जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं तो प्रैक्टिकल बेस से ऑडिट पढ़ाते हैं। सिर्फ बुकिश ऑडिट नहीं तो लाइफ में हम कैसे
ऑडिट अप्लाई करे, लाइक हम कैसे लाइफ जी रहे हैं, हमने कैसे जीनी चाहिए, ये सब सर से हमने सीखा है. सर थैंक यू सो मच, वॉट एवर यू हैव गिवन टिल नाउ, वी फेल्ट वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस विथ यू, वी एन्जॉयड अ लॉट. भारत माता की जय, तोड़ मालिक, हम पेपर में भी तोड़ करेंगे.